మనసులో పాయ పడాలి కదా, మనసులో పాయ పడాలి. పేరు పడు, పేరు పడు, పేరు పడు, పేరు పడు, పేరు పడు. निरीक्षण जरा बाहर गया कर लो बाइक में कर लो. संदीप जी, संदीप बत्रा जी, गणपति का सॉन्ग है, आरती करेंगे बाहर. ग्राउंड तो खाली है. अपनी फिल्म एकता हीरो में संदीप जी ने कंपोज किया है और मैंने लिखा है. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत खूबसूरत गाना है. और एक्चुअली गणेश जी की यहाँ पे जो लोग आते हैं तो हर आदमी एक प्रॉब्लम लेकर, एक समस्या लेकर आता है. और हमारा जो गाना है एक्चुअली वो फिल्म के कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, लेकिन हर वो आदमी इस गाने से रिलेक्ट करेगा जिसकी ज़िंदगी में कुछ मसले हैं और जिसे कुछ हासिल करना है. तो हमारा गाना जो आतिश है तू जिसका नाम है, वो उस आदमी को हौसला देता है कि ज़िंदगी में कठिनाइयाँ तो होती हैं लेकिन तेरे अंदर तेरा भगवान है, तेरे अंदर तेरी शक्ति है. तो अगर उसे तू खुद को पहचाने तो वो मंजिल जिसे तू हासिल करना चाहता है वो तुझे ज़रूर मिलेगी. संदीप, आप क्या कहना चाहेंगे और क्या ब्रीफ था यू नो जब एक राइटर लिखता है और जब कंपोज करा जाता है नई शक्ल, नया आराम मिल रहा है, क्या ब्रीफ था? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि सबसे पहले मैं पापा के दरबार में आया हूँ. उनके आशीर्वाद से हम लोग शुरू कर रहे हैं इस चीज़ को. ब्रीफ हमारा ये था कि उन्होंने, योगी जो डायरेक्टर हैं योगेश, उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया कि हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही कमाल का मोटिवेशनल सॉन्ग चाहिए कि जिसको देख के कोई इंसान जो भी निराश हो, कठिनाइयों से घिरा हो, वो उससे बाहर आ जाए. और बस उसको रखते हुए हम लोगों ने, मैंने कॉम्पोज जब करना शुरू किया, मुझे लगा कि गाना ऐसा होना चाहिए कि दिस शुड बिकम द नेक्स्ट एंथम फॉर एनीबॉडी यू नो हु इज़ स्ट्रगलिंग इन लाइफ और यू नो हु वॉन्ट्स टू अचीव समथिंग इन लाइफ. और मेरा बहुत ही खूबसूरती से तमीर भाई ने साथ दिया और उन्हें बहुत ही उम्दा लिखा है इसमें. और अब मैं सिर्फ दर्शकों से सुनना चाहता हूँ कि उन्हें ये गाना कैसा लगता है. क्या जहन में रख के लिखा है? एक डायरेक्टर का ब्रीफ होता है कि मैं इस तरह का कुछ चाह रहा हूँ, ये फिल्म की सिचुएशन है, ये हालात है, क्या ब्रीफ था डायरेक्टर का? हाँ, एक्चुअली उन्होंने सिचुएशन बताई थी कि एक बच्चा है, उसका एक सपना है कि उसे साइकिल चाहिए. बड़ी खूबसूरत, दिल को छू लेने वाली स्टोरी. पहले तो यहाँ लगना चाहिए तो काम अच्छा होता है. तो मुझे तो बहुत अच्छी सिचुएशन लगी कि कुछ बेहतर हो सकता है काम. और फिर उससे एक्चुअली आजकल पहले ये होता था कि पुराने ज़माने में कि पहले शायर कुछ लिखता था, गीतकार, और उसको म्यूज़िक डायरेक्टर कंपोज करता था. लेकिन अब थोड़ा मुख्तलिफ हो गया, डिफरेंट हो गया है. अभी ये हो रहा है कि पहले कंपोजिंग धुन तैयार होती है, उस पर शब्द लिखने हैं. तो एक राइटर की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, उसे डायरेक्टर को भी खुश करना होता है, म्यूज़िक डायरेक्टर को भी खुश करना होता है, और अपने अंदर के कलाकार को भी खुश करना होता है कि काम अच्छा हो. तो म्यूज़िक डायरेक्टर के ट्यून पे अगर वर्ड के फ्लो सही चला गया, ट्यून पे सब सही बैठ जाए तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है. कि आप दोनों क्या कहना चाहेंगे और फिल्म का नाम भी बताइए, क्योंकि आपने फिल्म का नाम है एकता हीरो. एकता हीरो, और एक वो बच्चे की कहानी है जिसका नाम है हीरो, और उसकी छोटी सी ख्वाहिश है जो एक साइकिल है. और फिल्म का थीम ऐसा कि वो साइकिल एक हर इंसान के जीवन में एक वो गोल होता है जो वो अचीव करना चाहता है, जिसके लिए वो बहुत मेहनत करता है, सब कुछ करता है लाइफ में. और ये उसी हर इंसान की कहानी है जो भी कुछ लाइफ में अचीव करना चाहता है. दैट इज़ आवर दिस. थैंक यू सो मच. इफ यू कैन बी देयर. वो अभी एक हीरो और तबीयत
संदीप एक सेकंड बोला ना यार पेड़ पढ़ते समय अरे भगवान पेड़ पढ़ते हुए अरे थोड़ा क्लोज आइए ना क्लोज मुझे यहाँ आने का मौका दिया पप्पा ने मुझे बुलाया और मेरे एल्बम की इस गाने की शुरुआत जो मैंने पप्पा के लिए गाया वो वहीं से कर रहे हैं जिस बाकी बहुत खुशी आप सबका आशीर्वाद और निराशा की जो उनका एक गाना मैं करूँ तो पप्पा की ही है मैं वो गाना चाहूँगा आप सबके लिए
देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन तुमसे बढ़कर कौन देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन स्वामी तुमसे बढ़कर कौन सर्व गणेश भक्तांना बोलून दाखवेल योगेश लगानी साहब इथे आलेले आहेत आम्ही त्यांचे हार्दिक स्वागत करतो गणपती बाप्पा संजीवनी विनंती पहिली गोष्ट आणि माझ्या मूवी रिलीज होते एका हिरो म्हणून
मैं अभी तो गणपति के अंधेरी के राजा के इधर आके मैंने अपने फिल्म की सक्सेस की प्रार्थना की है, साथ ही साथ सब सब जनों की वेल बीइंग होने की भी प्रार्थना की। क्या कहना चाहेंगे, कैसी फिल्म होगी, कितना पसंद आएगी? ये एक अलग सी फिल्म है, ज़्यादा मार धाड़ नहीं है, नथिंग लाइक दैट, बट एकदम शांत फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है। फुल फैमिली देख के, फुल फैमिली आके देख सकती है। ये फिल्म एक गांव के लड़के की है जिसे अपनी साइकिल लेनी चाहती है, उसकी ड्रीम रहती है अपनी साइकिल लेना, बट उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती, तो वो कैसे क्या क्या करके अपनी साइकिल लेता है और साइकिल और सोसाइटी में चेंज भी करता है। तो ये मूवी जी अभी जैसे ट्रेलर को देख के सराहा जा रहा है, वैसी फिल्म देख के भी उतनी सक्सेसफुल होनी चाहिए। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.